तरफ से जय श्री राम और दूसरे तरफ से जय भीम के नारे लगने चालू हो गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, कोई भी संविधान कितना हो अच्छा क्यों ना हो, अंततः बुरा ही साबित होगा यदि उसको लागू करने वाले लोग बुरे हो। संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र हमारा खतरे में, उसको बचाने के लिए हम युवा आंदोलन कर रहे हैं। मुझे फिर ईवीएम पे भरोसा नहीं है। ईवीएम से हम लोग का अधिकार छीना जा रहा है, इससे मोदी जीत रहा है। अगर चुनाव आयोग बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं करता है तो आने वाले समय में 2024 में हम ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। वो जितनी बार मशीन लगाएंगे उतनी बार हम फोड़ेंगे। जिन जिन कंट्री ने इसको बनाया, ईवीएम को पैदा किया, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, उन लोगों ने इन्हें निकाल के क्यों फेंका? आज वो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों करा रही है? सेटिंग किया जाता है, सेटिंग के बगैर सेटिंग के मोदी नहीं जीत सकता चुनाव। ईवीएम भी एक प्रकार से सर जो है ये मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति है, आज की मनुस्मृति है। हमें जेल जाना पड़े, जेल जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है। ये आर पार की लड़ाई है, हमें लड़ने बगैर हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक मशीन तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम के विरोध में जन सैलाब आ उमड़ा है। आपको बता दें, तमाम जितने देश में बहुजन संगठन से लेकर सामाजिक संगठन जितने भी हैं, वो अब ईवीएम के विरोध में खुलकर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, कहीं ना कहीं ईवीएम के साथ छेड़खानी करके, एक तरफ से जय श्री राम और दूसरे तरफ से जय भीम के नारे लगने चालू हो गए हैं और ये जंतर मंतर का माहौल है। क्या कहना चाहेंगे, एक तरफ से जय भीम और दूसरे तरफ से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं? ये भी इनको अधिकार जो संविधान ही दे रहा है, हाँ। दोनों तरफ को ये कहाँ भी जय श्री राम जय भीम, ये इनका अपना ये अधिकार जो है संविधान ही देता है इनको। आर्टिकल 25 कहता है कि सभी को अपने धर्म प्रचार की स्वतंत्रता है। इस तरह के नारे क्या प्रतीत कर रहे हैं? ये अराजकता थोड़ा सा फैलाना महसूस कर रहे हैं। ये जो विपरीत दल के हैं वो चाहते हैं कि अभी इसको मूवमेंट को तोड़ा जाए, मूवमेंट को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर, ईवीएम का कितना विरोध? ईवीएम का तो हम 100% विरोध कर रहे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा, हमारे जिस संगठन से हम लोग आते हैं, जिसके माननीय अध्यक्ष श्री बावन मेश्राम साहब, जिनका स्पीच चल रहा, वो लगभग हम 2014 से जुड़े हैं, तब से ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। और ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ये तय है। बैलेट पेपर से क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकता है, क्योंकि धांधली तो दोनों में हो सकती है? आपका कहना है कि जो भी धांधली हो सकती है, जिन्होंने वर्ल्ड के जिन जिन कंट्री ने इसको बनाया, ईवीएम को पैदा किया, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, उन लोगों ने इन्हें निकाल के क्यों फेंका? आज वो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों करा रही है? कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी को 2024 का डर सता रहा है क्या, ईवीएम अगर खत्म हुआ तो? बिल्कुल डर सता रही है, वो कुछ ना कुछ कर रही है ईवीएम के विरोध में। हम लोग चुनाव आयोग को घेरने की बात कर रहे हैं, जो कि फ्री एंड फेयर है। फिर भी देखिए, उनको पेट में सर में दर्द हो रहा है किस तरह के। यहाँ पे अभी आपने सुना, ये हमारा मंच लगा, इस जगह का अराजकता फैलाने की कोशिश किया गया। आपने सुना ना, इससे क्या मैसेज आ रहा है? मुला ये संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र हमारा खतरे में, उसको बचाने के लिए हम युवा आंदोलन कर रहे हैं। मुझे फिर ईवीएम पे भरोसा नहीं है, मैं अपना विरोध कर रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। देखिए, अधिकार है या नहीं है? दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरह से मावन मेश्राम उधर से जय भीम के नारे से उद्घोष करते हैं, ठीक दूसरे तरफ से जय श्री राम के नारे से भी वो लोग भी एक तरह ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मामले को दूसरी ओर ले जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं? हम बस्ती से आए हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या माहौल लग रहा है? ईवीएम सही में देश के लिए खतरा है क्या? हाँ, खतरा है। हाँ, उसमें गिनती नहीं होती है। हाँ, जो फिर वोट पड़ता है वो कहीं से गड़बड़ी है, कहीं गड़बड़ी है। क्या कहना चाहते हैं सर, क्या चाहते हैं, ईवीएम या फिर बैलेट पेपर? क्यों बैलेट पेपर? इसलिए मैं करना चाहता हूँ क्योंकि ईवीएम जो है चंद्रयान को हैक कर सकते, का ईवीएम का नहीं हैक सकते। ईवीएम से हम लोग का अधिकार छीना जा रहा है, इससे मोदी जीत रहा है।
कैसा अधिकार छीना जा रहा है? हर चीज का अधिकार छीना जा रहा है, क्योंकि उनका भाजपा का सरकार रहेगा तो वो अपना अधिकार वो अब कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग पूरा इरादा बना लिए हैं कि यहाँ से ईवीएम को आप बंद करवा के ही जाएंगे? जी जी, बंद करवा के रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं भैया आप? मैं क्या कह रहा हूँ, ईवीएम बंद हो जाए। हाँ। बैलेट पेपर से चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। एक पूरा देखिए जंतर मंतर पर एक जमावड़ा लगा हुआ है और कहीं ना कहीं एक ये संदेश दिया जा रहा है कि देश में अब ईवीएम को बंद किया जाए। जी बोलिए। कुछ पाने के लिए कुछ दिखाना भी पड़ता है, कुछ खोना भी पड़ता है। आप मैं एक बात समझ लो, ये इसलिए देख कुछ विपक्ष इसलिए जिता देते कि ईवीएम पे शक ना हो, बराबर के नहीं, इसलिए वो कुछ दिखा देते। आपको तो पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट ने 2013 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। क्या दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो आप ईवीएम मशीन बंद करना चाहिए। फिर भी चुनाव आयोग जबरदस्ती ईवीएम मशीन पे क्यों चुनाव करवा रहा है, बराबर कि नहीं? क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है ना, इसलिए चुनाव नहीं करवाना। इसलिए फिर उन्होंने भारत मुक्ति मोर्चा ने पीछे आंदोलन चलाया था, वामन मेश्राम के कहने पर वीवीपैट मशीन लगवाई, कितना तो करोड़ खर्चा करके वीवीपैट मशीन लगवाई, वीवीपैट मशीन लगवाई, उसका काउंटिंग नहीं होता है तो भी मशीन का जो घोटाला वो कैसे पकड़ में आया। हम चाहते हैं बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए और बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। अगर चुनाव आयोग बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं करता है तो आने वाले समय में 2024 में हम ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। वो जितनी बार मशीन लगाएंगे उतनी बार हम फोड़ेंगे। हमें जेल जाना पड़े, जेल जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है। ये आर पार की लड़ाई है, हमें लड़ने बगैर हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक मशीन तोड़ेंगे नहीं, जब तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरा इरादा बना चुके हैं आप जब घर से निकले हैं कि इरादा यही है कि ईवीएम को खत्म करना है। हाँ, ईवीएम देखो, ईवीएम मशीन के वजह से मालूम है क्या बेरोजगारी पड़ रही है, हक अधिकार छीनते जा रहे हैं। मालूम है उनको जनता का कुछ लेना देना नहीं है, उनको हम पता है कि हम मशीन में घोटाला करके चुन के आएंगे तो जनता का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ दिखावा चल रहा है, चुनाव चल रहा है, वो दिखावा चल रहा है, लोगों को भ्रम में रखा कर चल रहा है। अभी आपको पता ही होगा हर गांव-गांव में चुनाव आयोग ने जो गांव-गांव जाकर दिखा रहे कि मशीन में गड़बड़ी नहीं होती, पर जिन लोगों को सादा मोबाइल नहीं चलाना आता उनको इलेक्ट्रॉनिक के बारे में क्या पता है? वो तो साधारण लोग है। हाँ, मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, हमसे सवाल पूछो हम बराबर जवाब देंगे। अभी जो लोग सर्वे कर रहे हैं वो मशीन के बाहर सच है तो उनको हमने सवाल पूछे। एक बात और, एक मिनट सवाल बोलने दो। हम उनको जो सर्वे कर रहे थे ये मशीन अच्छी है, उनको सवाल पूछे, ठीक है तो ये मशीन खराबी है तो तुम सर्वे क्यों कर रहे? दूसरा प्रश्न हमने ये भी पूछा, आप मशीन में वो डाल रहे हो ठीक है, बैलेट जो वीवीपैट के उसके पर्ची का गिनती क्यों नहीं करते? बोलते हम 10% करते, तो 10% 100% करो ना, तभी तो पता चलेगा गड़बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या सही में चल रहा है। वो उनका चुनाव आयोग उनका जो प्रोग्राम बना हुआ है वो सेट कर देते हैं मशीन में, जैसे अपन व्हाट्सअप चलाते हैं एग्जाम्पल, जैसे व्हाट्सअप अगले वाले ने देख लिया तो ब्लू टिक 2 बार ऐसा दिखता है कि नहीं, वैसे वो सेट करो, क्योंकि ऊपर से वो जो मैनेजमेंट है वो सेट करके रहता है ना, उसी तरह चुनाव आयोग ने सेट करके रखा है कितना वोट किसको देना है किसका नहीं जाना। इसलिए हम बैलेट पेपर पे चुनाव चाहते हैं। अगर बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होता है हम ये मशीन को फोड़ेंगे तय करके आएंगे। अभी इधर ये शुरुआत है, ये सिर्फ पहला मोर्चा है, शुरुआत है, अभी चुनाव तो बहुत। ऐसे मोर्चे कितने होने वाले हैं? क्या लग रहा है सरकार कहाँ पे या मान सकती है कि ईवीएम को खत्म किया जाए? शुरुआत में भारत मुक्ति मोर्चा वामन मेश्राम साहब ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने शुरुआत की थी। अभी आप देख रहे होंगे कितने लोग आए, शरद पवार आए हुए, वकील क्या नाम उनका, प्रदभूषण भानु प्रताप सिंह, हाँ उनको तो ज्यादा मेरे को नाम तो पता नहीं है, आए कि नहीं आए, समर देने के आए कि नहीं, बहुत सारे राष्ट्रीय दल भी आए, कुछ गुप्त भी है। अगर फिर भी चुनाव आयोग अगर मशीन पे चिकर होता है तो हम तो तय करके रखे, बराबर कि नहीं? देखिए, और कुछ और लोगों से बात करें, क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से देख रहे हैं, क्या ईवीएम पे ही असली मुद्दा है? क्योंकि बोल रहे हैं छेड़खानी तो बैलेट पेपर में भी हो सकती है।
सर ठीक है, छेड़खानी तो कहीं भी की जा सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कोई भी संविधान कितना हो अच्छा क्यों ना हो, अंततः बुरा ही साबित होगा यदि उसको लागू करने वाले लोग बुरे हो। तो छेड़खानी कहीं भी, लेकिन हम जो वोट दिए हैं उसको मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन ईवीएम के माध्यम से उसको डिलीट भी किया जा सकता है। उसको डिलीट किया है, लेकिन जो मैंने मोहर मारा है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। आप कहीं फाड़ कर भी फेंकेंगे तो दिखाई देगा, तो वो छेड़खानी समझ में आ सकती है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को मशीन पर विश्वास नहीं है, मशीन पर विश्वास, हमको बैलेट पेपर पर विश्वास है। हाँ, बैलेट पेपर पर विश्वास है। मशीन टेक्नोलॉजी हम उतने बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाई नहीं है कि हम जो है उसकी मशीन के बारे में सब कुछ जान जाए, तो उसमें कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन वो हमको उस पर विश्वास है बैलेट पेपर। बीजेपी ईवीएम के ही जरिए आज तक जीतते आई है क्या जी? अब मैं पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है। साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, साइंस है वो, एक अच्छा नौकर हो सकती है तो हमारा एक मालिक भी बन सकती है, तो इसलिए कुछ भी कर सकती है। ये संवैधानिक बात है, संविधान के साथ भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसको जो है मनुवाद के तरफ ले जाया जा रहा है, इसको मनुवाद के तरफ ले जाया जा रहा है। तो क्या चाह रहे हैं आप? ईवीएम भी एक प्रकार से सर जो है ये मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति है, आज की मनुस्मृति है, तो यही मैं कहना चाहूँगा सर। और आप लोग संविधान की पूरी निष्ठा रखते हैं तभी इस तरह से यहाँ पे ईवीएम के विरोध में है। क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं जी? हम चंदौली से आए हैं। क्या सोच के आए हैं कि क्या लग रहा है ईवीएम आप लोग प्रदर्शन से एकदम खत्म ही एकदम खत्म कर देंगे? नहीं खत्म होगा तो तोड़ेंगे उसको, होने नहीं देंगे। चुनाव ईवीएम से नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि चुनाव से उस पर ईवीएम से धांधली होती है। ये एक बार चुनाव तो एक तरह से समझ ले संवैधानिक प्रक्रिया, वो तो होनी होगी। हाँ वो तो, और आप बोल रहे हैं कि चुनाव ही नहीं होने देंगे, क्या तोड़ देंगे उसको? जब नहीं होने देंगे ना, आप गलत करोगे, आप गलत नहीं करोगे, आप सही करो ना। जो हम जो पब्लिक है, इतना करोड़ों पब्लिक आपके एक लोग को बना के भेजती है, तो हमारी बात नहीं मानेंगे आप ना? जिससे हम संतुष्ट हैं, जिससे हम चाहते हैं कि वो करो ना। आप हमारे लिए बने हो, आप हम अपने नहीं बने हैं, हम आपको बनाते हैं, तो हमारे जो हम चाहते हैं वो होना चाहिए। ये वैसे से चोरी होती है, 100% टेक्नोलॉजी है, मोबाइल से आदमी को मर्डर होता है, सऊदी में बैठ के यहाँ कांड कर देगा, होता है कि ब्लास्ट हो जाता आती है। टेक्नोलॉजी की कोई कौन सी बड़ी बात है, चेंज करना है उसको, बढ़ा देना घटा देना, यानी सेटिंग ईवीएम में कहीं ना कहीं करी है सेटिंग किया जाता है, सेटिंग के बगैर सेटिंग के मोदी नहीं जीत सकता चुनाव। देखिए किस तरह से जो ईवीएम का प्रदर्शन है यहाँ पर, एक विशाल प्रदर्शन है, और जिसको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पे आरोप लगता है कि इसको कवरेज नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सैकड़ों में लोग अलग अलग प्रदेशों से आए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर दर्ज करवा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मौसम भी साथ नहीं दे रहा, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है और लोग थोड़ा आगे चलते हैं। क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं? सर मैं आया हूँ किराड़ी, दिल्ली से आया हूँ, और ईवीएम के खिलाफ नारा है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ये बहुजन मुक्ति मोर्चा के उपलक्ष में किया गया है ये। और भारत को अगर बचाना है और संविधान को बचाना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा। ईवीएम को हटाना पड़ेगा।